आप लोग। शहर के प्राचीन भोगानदी मंदिर में प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी लोक देवता जाहिरवीर भोगा जी महाराज का मेला बड़ी धूमधाम से मनाया गया। पिछले दो वर्षों में कोरोना जैसी महामारी की वजह से मेला नहीं हो पा रहा था, किंतु इस वर्ष चूरू शहर में हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और सांप्रदायिक सौहार्द का परिचय दिया। भोगामेडी के विश्वनाथ शर्मा राजगुरु ने बताया कि मेले में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी की ओर से चूरू की सभी गोगामेडी प्रमुखों को सपा और मोमेंटो देकर सम्मानित किया जाता है। मेला समिति के भागीरथ चौधरी, संपत दूत, पवन विप्लवा, नरेश दूधवाला, ओम प्रकाश गुजर, रामावतार लोहिया, प्रदीप ढाडर, अनिता जोशी, दिनेश लाटा ने राज्य की भूमिका निभाने में सहयोग किया। मेले में लोग दूर दूर से निशान लेकर आते हैं, गोगा जी की धूप चढ़ाते हैं। इस नवमी पर मेड़ी पर मेला जो लग रहा है उसमें सुबह से दोपहर तक तो केवल श्रद्धालु आते हैं और दोपहर के 4 बजे बाद चूरू शहर की करीबन 35 मेड़ियां हैं जहां से गोगो जी के निशान के रूप में लोग निशान को लेकर आते हैं, साथ में उनके भक्त आते हैं और पूरी ढोल ताशों के साथ जोश खरोश के साथ भक्त लोग आते हैं, साथ में सांप गोयरे अनेक प्रकार के जो जंतु हैं उनको लेकर के दर्शनार्थ यहाँ पहुँचते हैं, भगत लोग बहुत जगह के यहाँ पहुँचते हैं। आपका नाम? विश्वनाथ शर्मा, गोगामेडी चैरिटेबल ट्रस्ट का मंत्री के नाते में यहाँ पर दायित्व निभा रहा गो गोजी महाराज की जय बोलते आगे बढ़ते जाए, धीरे धीरे भीड़ नहीं करे, रास्ते भीड़ ना करे। ये रास्ते में नहीं खड़े हो, आगे लाइन में खड़े हो जाएं। तो नया स्वरूप देने का वीणा उठाया, हमारा सहयोग किया, समाज का प्रमुख जी हाथ लगाओ।